नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किकी दरहावा और मैं हूँ किरण कौर फाहद। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो आपने उसका जो टॉपिक है वो आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कई बार आपने उसे यूट्यूब पर भी देखा होगा। और जब भी आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज मैं एक ऐसा ही हेयर स्टाइल से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आई हूँ। बिना देर किए शुरुआत करती हूँ इस वीडियो की। सबसे पहले बालों से रिमूव कर लेते हैं टैंगल्स और फिर बीच में से मांग निकाल लेंगे। ओके, मैंने ये मिड पार्टीशन एंड अब यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हम ले आते हैं अपने बालों को यहाँ पे। जस्ट एक्सक्यूज बिकॉज मेरे बाल आगे के छोटे हैं, ये मैंने ले लिया यहाँ पे एंड इसको मैंने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया ऐसा। एंड नाउ दिस साइड और एक साइड की, ये हमको चोटी बनाते जाना है। इस साइड को यहाँ रखना है एंड थोड़े थोड़े बाल यहाँ से लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि ये इक्वली लिया जाए बिकॉज नहीं तो फिर वो शेप नहीं आ पाएगा। देखिए पूरे इसमें यहाँ तक ये कवर हो गए हैं और जो बचे हुए ना उनको भी मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्या करना है हमने, अब हमने इसको फ्लिप करना है। अब मैं पीछे से दिखाती हूँ इसके क्या हालात हैं। तो ये था हमारा ये वाला हेयर स्टाइल। आई होप कि इतना बुरा भी नहीं बना है एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। कभी कभी किसी सूट या फिर किसी भी कुर्ती वाली ड्रेस पे हम लोग इस तरीके का हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मुझे थोड़ी सी ये जो यहाँ पर इस तरीके की लेयर्स आ रही है ये बहुत पसंद आ रही है। बैक वाला स्टाइल अगर आप अवॉइड करना चाहें, आपको वहाँ पर लेयर्स समझ में ना आए, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल इसको बना के आगे की तरफ ले सकते हैं एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आपको ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।